नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिनभर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में अगले आदेश तक बंद रहेंगे स्कूल, पहले 15 जनवरी तक थी छुट्टी की घोषणा। दिल्ली को मिली पहली इलेक्ट्रिक बस, सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिखाई हरी झंडी। प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज का निधन, 83 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। दिल्ली के नरेला में सड़क पर भरा पानी, करीब 20 एकड़ फसल नष्ट होने के कगार पर। दिल्ली एनसीआर में हाड़ कपाने वाली ठंड के बीच प्रदूषण की मार, 21 और 22 जनवरी को बारिश के आसार। राजधानी में कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब अगले आदेश तक दिल्ली के स्कूल बंद रहेंगे, पहले 15 जनवरी तक स्कूल बंद किए जाने की घोषणा की गई थी। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के केस तेजी से बढ़ते हुए देख राज्य सरकार ने अगले आदेश तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश की जानकारी देते हुए दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने बताया कि दिल्ली में सरकारी, गैर सरकारी, एमसीडी और दिल्ली छावनी बोर्ड के स्कूल नहीं खुलेंगे। इससे पहले राज्य में 15 जनवरी तक के लिए स्कूलों को सर्दियों की छुट्टी देते हुए बंद रखा गया था। दरअसल दिल्ली में कोरोना के मामले पिछले कई दिनों से काफी तेजी से बढ़े हैं। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में इस लहर से युवा और बुजुर्ग के साथ साथ बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। दिल्ली में येलो अलर्ट लागू किया गया है, जिसको देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने ये फैसला लिया है। उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया। बता दें कि दिल्ली में स्कूल अक्टूबर के दौरान कुछ दिनों के लिए खुले थे, उसके बाद प्रदूषण की मार देखते हुए ऑनलाइन मोड में कर दिया गया। फिर दिसंबर माह में एक सप्ताह के करीब स्कूल खुले, लेकिन फिर से कोरोना संकट का असर पड़ा। हालांकि सीबीएसई ने फिलहाल 10वीं और 12वीं के लिए कोई नया सर्कुलर जारी नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है। इसी दिशा में दिल्ली सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक बसें चलाए जाने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ जारी जंग में दिल्ली सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली परिवहन निगम की पहली इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहली दिल्ली की इलेक्ट्रिक बस सड़क पे उतरी है। ये इंसिडेंट कई मायनों में इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एक तरह से ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है दिल्ली में, जबकि बिजली से चलने वाली पहली बस आज सड़क पे उतरी है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले सालों के अंदर धीरे 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 करके जैसे जैसे पुरानी बसें हटती जाएंगी, वैसे वैसे अब इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की सड़कों पे आती जाएंगी। प्रदूषण को कंट्रोल करने के दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अभी आप लोगों ने देखा, जब बस चली ना तो इसमें आवाज़ आती और एक ज़रा सा भी धुआं, जीरो एमिशन है, कोई भी धुआं इस बस से नहीं निकलता। तो प्रदूषण को कंट्रोल करने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। आज पहली बस गई है और अप्रैल तक हमें उम्मीद है 300 बसें आ जाएंगी और हमारा टारगेट है उसके बाद 2000 और बसेस अगले कुछ वर्षों के अंदर 2000 और इलेक्ट्रिक बसेस लाने का। एक और भी आज बड़ी बात ये हुई है कि 2011 से के बाद से आज तक डीटीसी के बेड़े में एक भी नई बस नहीं आई थी। कुछ ना कुछ ग्रहण लगा हुआ था, कुछ जिंक्स लगा हुआ था। जब भी कोशिश की जाती थी तरह तरह की अड़चने आ जाती थी। मैं समझता हूँ कि आज इस पहली बस ये आज डीटीसी के बेड़े में आई है। ये क्लस्टर में नहीं है, डीटीसी की ओनरशिप में है। तो आज हमने हवन भी किया, सब भगवान से भी प्रार्थना की है। हम समझते हैं कि ये जिंक्स टूटेगा और अब डीटीसी के अंदर और नई बसें आनी चालू होंगी।
अगर आपका कोई प्रश्न है तो। हाँ, चार्जिंग एक से डेढ़ घंटा फास्ट चार्जिंग में ये है, एक चार्ज में 120 किलोमीटर मिनिमम 120 किलोमीटर ये बस चल लेती है, और जितने भी हमारे डिपोज हैं सबको, सब में चार्जिंग की व्यवस्था अब की जा रही है, और एक बार चार्जिंग, एक बार डिस्चार्ज होने के बाद लगभग एक से डेढ़ घंटे की फास्ट चार्जिंग में ये कंप्लीट हो जाती है। फिलहाल इसका परिचालन ट्रायल के तौर पर किया जाएगा, इसके बाद फरवरी में डीटीसी बसों के बेड़े में 50 ई बसों की पहली खेप दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने लगेगी। इस बस के परिचालन के लिए जो रूट तय किया गया है उसमें 27 किलोमीटर के दायरे में यात्रियों को आईपी डिपो से रवाना होने के बाद कनॉट प्लेस, आश्रम, इंडिया गेट से आगे प्रगति मैदान तक जाएगी। दिल्ली सरकार की ओर से डीटीसी के बेड़े में 300 इलेक्ट्रिक बसें चरणों में शामिल की जाएंगी। अप्रैल 2022 तक सभी ई बसें चरणों में सड़कों पर उतार दी जाएंगी। इससे दिल्ली वासियों को अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बस में सफर करने का मौका मिलने के साथ ही दिल्ली के पर्यावरण में भी सुधार होने लगेगा। ई बसों में शून्य उत्सर्जन होने की वजह से कार्बन उत्सर्जन के मामले में भी काफी बचत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। कथक के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध बिरजू महाराज का निधन 83 वर्ष की उम्र में दिल्ली में हो गया। वह एक अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गहरा दुख जताया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। दुनिया भर में अपने कथक नृत्य के लिए मशहूर रहे बिरजू महाराज का देर रात निधन हो गया। पद्म विभूषण से सम्मानित 83 साल के बिरजू महाराज ने दिल्ली के साकेत हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गायक मालिनी अवस्थी और अदनान सामी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। बिरजू महाराज की पोती रागिनी महाराज की माने तो उनका एक महीने से इलाज चल रहा था। बीती रात करीब 12:30 बजे अचानक उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद उन्हें 10 मिनट के अंदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। योगी आदित्यनाथ ने बिरजू महाराज को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि कथक सम्राट पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी का निधन अत्यंत दुखद है। उनका जाना कला जगत की अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान व शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। वहीं मालिनी अवस्थी ने लिखा, आज भारतीय संगीत की लय थम गई, सुर मौन हो गए, भाव शून्य हो गए, कथक के सरताज पंडित बिरजू महाराज जी नहीं रहे। बता दें कि बिरजू महाराज लखनऊ घराने से ताल्लुक रखते थे। उनका जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। इनका असली नाम पंडित ब्रजमोहन मिश्र था। ये कथक नर्तक होने के साथ साथ शास्त्रीय गायक भी थे। बिरजू महाराज के पिता अच्छन महाराज, चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज भी प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। बिरजू महाराज को 1983 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान भी मिला है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय ने बिरजू महाराज को डॉक्टरेट की उपाधि भी दी थी। इतना ही नहीं, बिरजू महाराज को कोरियोग्राफी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। बाहरी दिल्ली के नरेला विधानसभा क्षेत्र में सड़क पर लबालब पानी भर जाने के कारण करीब 20 एकड़ में फैली फसल बर्बाद होने के कगार पे है। किसानों ने बताया कि हर 6 महीने में यहाँ पर पानी भरता है और फसल नष्ट हो जाती है। देखिए पूरी रिपोर्ट। बाहरी दिल्ली के नरेला विधानसभा के तिगीपुर गांव के पास सड़कों पर लबालब पानी भर गया है। करीबन 20 एकड़ फसल नष्ट होने के कगार पर है। जो समस्या है, कई वर्षों से ये नाले की सही सफाई नहीं होती है। हम अपने निगम से कहते हैं, नगर निगम से कहते हैं, वो कहते हैं कि ये फ्लड के अंदर आती है। फ्लड वाले कहते हैं कि दिल्ली प्रशासन इसको देखेगा, तो हमारी समझ में नहीं आ रही है कि इसके किसको। हमारे भाई ओमपाल जी जो है अपने एमएलए पास के भी, एमएलए साहब के पास भी इसकी शिकायत लेके चले गए हैं। ये एक्चुअल में हमारे यहाँ तिगीपुर और सुंगरपुर का पानी यहाँ जाता है। इसमें ग्राम सभा की जमीन है, वहाँ जोहोड़ है,
तो उसमें वो जोड़ और फुल हो गया है। तो हमारी मांग ये है गांव वालों की कि उस जोड़ में गाद जम गई है, मिट्टी जम गई है, उसकी सफाई हो जाए। और दूसरा एक सोल्यूशन है, हमारे दोनों गांव के 85 एकड़ जमीन है ग्राम सभा की, उसमें उस जोड़ को और चौड़ा कर दे तो समस्या का स्थायी समाधान हो जाए। बता दें कि शिकायत व पत्राचार देने के बाद भी जनप्रतिनिधि इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। नालों का गंदा पानी अब किसानों के लिए सरदर्द बन गया है। वहीं गेहूं की फसल हो चुकी है और ऐसे में यदि खेतों में पानी को जाने से नहीं रोका गया तो किसानों की गेहूं की फसलें नष्ट होंगी। मैं बार बार MLA है जो हमारे श्री शरद चौहान जी, उनके पास कई बार जा चुका हूँ। एक बार तो मैं 500 आदमियों के बीच में उनकी खिंचाई करके आया था कि आपने नाला तो बनवा दिया, उसकी सफाई कौन करेगा। तो उस दौरान उन्होंने भेजे, फिर मैंने कई बार अपनी जेब से पैसे लगा के JCB चला के साफ कराया, अपनी फसल ना खराब हो। वो नहीं सुनवाई करते हैं। कौंसलर है, वो कहता है मेरा गांव तक है, MLA कहता है ये फंड का है तो फंड MLA के अधीन होती है। वहीं किसानों का लाखों रुपए का भारी नुकसान होगा। स्थानीय ग्रामीणों और किसानों की मांग है कि जो तिगीपुर का प्राचीन तालाब है उसके पास ग्राम सभा की बहुत ज्यादा जमीन खाली पड़ी हुई है, इस तालाब के साथ एक और बड़ा तालाब खुदवाया जाए जिससे पानी जमीन में जा सके। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली और पूरे NCR क्षेत्र में सर्दी का सितम जारी है। सोमवार की सुबह कोहरा छाया रहा और दिन भर बादल भी छाए रहे, इस वजह से धूप नहीं निकली और लोग ठंड से परेशान दिखाई पड़े। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि 21 और 22 जनवरी को फिर बरसात हो सकती है। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में ठंड के बीच प्रदूषण का सितम भी जारी है। फिलहाल ना ही ठंड से और ना ही प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री कम है। आज सुबह आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहे और हल्के से लेकर कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के इलाके में कई दिनों से घना कोहरा हो रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में घना कोहरा रह सकता है। राजधानी में 21 से 22 जनवरी के आसपास बारिश आने की संभावना है। तब तक तापमान सामान्य से कुछ कम रह सकता है। 21 जनवरी के बाद न्यूनतम तापमान में एक बार फिर इजाफा होगा और ये 10 या इससे अधिक तक पहुंच सकता है। राष्ट्रीय राजधानी समेत पूरे NCR क्षेत्र में बुरा हाल है। शीतलहर से बढ़ी गलन और रात से ही छा जाने वाले कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बता दें कि दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम था। वहीं पॉल्यूशन की बात करें तो अगले 2 से 3 दिनों के बीच हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में ही रहे। CPCB की माने तो रविवार का औसत वायु गुणवत्ता 258 पर रहा। वहीं दिल्ली के 12 निगरानी केंद्र ऐसे हैं जहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के अंक से ऊपर यानी बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। ऐसे में दिल्ली वालों को ठंड के बीच प्रदूषण की मार भी झेलनी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली NCR दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।